डी स्टूडेंट एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रैंडम वॉक फिर हमने डिस्कस किया सेपरेटली रैंडम वॉक विद ड्रिफ्ट फिर हमने सेपरेटली डिस्कस किया रैंडम वॉक विदाउट ड्रिफ्ट देन उसमें ट्रेंड को इंक्लूड किया कि प्योर रैंडम वॉक कब होगा रैंडम वॉक के साथ ट्रेंड अगर हो फिर किस टाइप की उसकी शेप आएगी उसके साथ कॉन्सटेंट हो फिर किस टाइप की शेप सेपरेटली हमने डिस्कस किया बट नो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कम्प्रिहेंसिव मॉडल ऑफ रेंडम वॉक कि उसकी कौन कौन सी ऑप्शन पॉसिबल uh, है uh, उन पॉसिबल ऑप्शन में वी हैव थ्री ऑप्शन लाइक वी हैव द रैंडम वॉक एंड इन रेंडम वॉक वी हैव बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री प्लस एरर टर्म एंड अगेन वही चीज़ वाई टी इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल बीटा वन इज योर कॉन्स्टेंट इज ड्रिफ्ट टर्म बीटा टू टी दिस इज योर डिटर्मिनेस्टिक ट्रेंड एंड बीटा थ्री वाई टी माइनस वन इफ़ बीटा थ्री इज इक्वल टू वन दिस इज प्योर लाइक रैंडम वॉक वो आपका उसमें एलिमेंट आ जाएगा देन यू हैव द एर टर्म विच इज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मीन जीरो एंड वेरियंस उसका कॉन्सटेंट हम देखते हैं देन इफ बीटा वन इज नॉट इक्वल टू जीरो इट मीन्स देर इज लाइक कांस्टेंट देर इज ड्रिफ्ट इन द मॉडल बीटा टू इज नॉट इक्वल टू जीरो इट मीन्स देर इज समिनेस्टिक इन द मॉडल एंड बीटा थ्री इज इक्वल टू वन इट मीन्स देर इज़ नॉन स्टेशनरी सीरीज वाई टी एंड वाई टी माइनस वन की एक क्लोज क्लोज एसोसिएशन एग्जिस्ट करती है और इसके बाद हमारे पास जो नया मॉडल बनेगा दिस इज वाई टी इज इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू टी प्लस वाई टी माइनस वन क्योंकि इसका कॉफिशेंट की वैल्यू इज इक्वल टू वन है और इसको हम कह सकते हैं दिस इज रैंडम वॉक विद ड्रिफ्ट एंड डिटर्मिनेस्टिक टेड अब इसको किस तरह हम आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं वी हैव द एग्जाम्पल हम इसको ग्राफिकली जब देखते हैं तो लाइक इन दिस लाइक लोअर पोर्शन ऑफ दिस ग्राफ आप इसमें देखते हैं कि ए आर वन विद कॉन्स्टेंट एंड ट्रेंड अब यहाँ पे आपको क्लियर कट एक ट्रेंड नज़र आ रहा है कि देर इज पॉजिटिव ट्रेंड अब जिस वक्त पॉजिटिव ट्रेंड है तो इसका हमने ए ए आर वन प्रोसेस अप्लाई किया या इसको हमने इसका डिफरेंस फाइंड किया तो जिस वक्त इसका डिफरेंस फाइंड किया तो आपके पास इसका जो ट्रेंड है वो ख़त्म हो गया और जो ही ट्रेंड खत्म हो गया अब आपकी जो वैल्यूज हैं वो एकदम से उसका ट्रेंड खत्म हो के ये डी ट्रेंडिंग हो गई है और डी ट्रेंडिंग में आप लोग देख रहे हैं इनका विदैस ऑफ टाइम मीन कांस्टेंट हो रहा है और वेरिएंस भी इनका कांस्टेंट जा रहा है क्योंकि आप देख रहे हैं कि मीन यहाँ पे और यहाँ पे मीन यहाँ पे और मीन यहाँ पे हर नेक्स्ट स्टेप पे इसका मीन ऑलमोस्ट कांस्टेंट जा रहा है अब जो अपर पोर्शन है इस ग्राफ का इसमें आप लोग देख रहे हैं एक माइनर सा डिफरेंस है अपर में और मिडल में अगेन अगर इसके हम मीन और वेरिएंस को देखें दिस इज अगेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट बट इन लोअर पोर्शन इसमें आप देख रहे हैं मीन विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज हो रहा है अब जब मीन इंक्रीज होता जाएगा तो सिचुएशन डिफरेंट होगी जिस वक्त मिडल वाले में मीन कांस्टेंट जा रहे हैं और अपर वाले में आप देख रहे हैं मीन और वेरियंस है एक माइनर डिफरेंस है अपर पोर्शन में, no no में आते हैं जीरो से है, स्टार्ट नहीं हो रहा अगर जीरो से स्टार्ट हो रही हो वैल्यू इट मीनस द रेंडम वॉक इज ड्रिफ्ट एंड विदाउट ड्रिफ्ट यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि अगर वो जीरो से जिस तरह अपर वाला पोर्शन है ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है इसको हम कहेंगे दिस इसमें से शुरू हो रहा है। portion, तो यहां से हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने जब ऑप्शन पूछेगा आपका सॉफ्टवेयर कि यू आर गोइंग टू इंक्लूड द ड्रिफ्ट आर नॉट तो सबसे पहले आपने उसका ग्राफ देखना है तो ग्राफ से आपको आइडिया हो जाएगा वेदर देर इज डिटर ट्रेंड आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे आपने ड्रिफ्ट इंक्लूड करना है या ड्रिफ्ट को इंक्लूड नहीं करना तो इसलिए जो पहला स्टेप होगा टाइम सीरीज में वो टाइम सीरीज को जब आप प्लाट करेंगे स्कैटर तो आपको टाइम सीरीज की करेक्टरिस्टिक्स का आइडिया हो जाएगा कि ये डिटर्मिनिस्टिक है ये प्योर रेंडम वर्क है इसमें ड्रिफ्ट है इसमें ड्रिफ्ट नहीं है इसको डी ट्रेनिंग कैसे करना है इसका डिफरेंस कैसे लेना है आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा यहाँ से